का काम करेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। लेवल है 69,968 से 69,675 के आसपास दोस्तों, लगभग लगभग ये 300 पॉइंट की जो रेंज है वो अब सिल्वर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। लेवल हमें देखने को मिल सकता है 69,270 के आसपास, वो लेवल भी काटे दोस्तों तो यहाँ से करेक्शन और कंटिन्यू हो सकता है। 68,800 का जो लेवल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ पर ध्यान देना। 68,800 अगर ये वाला लेवल कटता है दोस्तों तो यहाँ से नए सिरे की एक गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, लगभग लगभग 68,200 और 67,475 के आसपास का जो लेवल है वो भी देखने को मिल। ये जो छोटा सा क्लिप सुना वो हमारे लास्ट वीक के वीकली अपडेट का था दोस्तों। अब आगे क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब सिल्वर जो है वो लाइव मार्केट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, 17 मार्च जो है वो हो रहा है, 10:30 का टाइम है। अगर सिल्वर यहाँ से जो है वो 68,800 के ऊपर चलने की कोशिश करता है तो वापस से इसके अंदर जो है वो एक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, और ये तेज़ी जो है वो लगभग 69,400 का जो लेवल है वहाँ तक जा सकती है। अगर वो वाला लेवल भी सस्टेन कर दिया दोस्तों तो वापस से 70,000 का जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर अगर चलने की कोशिश करता है तो 70,800 का जो लेवल है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और हमें जो है वो ये वाला लेवल खास ध्यान में रखना है नीचे 67,800। अगर 67,800 का जो लेवल है वो अगर नीचे की तरफ काटता है दोस्तों तो वापस से गिरावट हो सकती है, तो ये बात जो है वो हमें ध्यान में लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसे ही सपोर्ट टारगेट सीखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया है दोस्तों, वो लिंक ओपन करके आप ऐसे ही सपोर्ट टारगेट जो है वो सीख सकते हो।